चलो आज फिर से वह नजारा याद करते हैं। देशभक्तों के दिल में थी जो ज्वाला, उसे याद करते हैं। ना माता ना पिता ना अर्धांग, देश था जिसको सबसे प्यार, उस असली हीरो की शहादत को हम नमन करते हैं। क्या बॉर्डर पर आतंकी हमला हुआ है क्या? ओ, कर्नल अंकल को भी गोली लगी है? यस सर, सर मैं आज रिपोर्ट करता हूँ। जय हिंद सर। क्या बेटा, चड्डा भाई साहब को गोली लगी है? जी पिताजी, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन हुआ क्या? माँ, बॉर्डर पर आतंकी हमला हुआ है और मुझे आज ही रिपोर्ट करनी होगी। नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी अभी तो शादी हुई है। उड़िया मेरी बात को समझ, माँ मेरी जरूरत है, मुझे जाना ही होगा। ये देख, ये जो तूने मुझे रक्षा कवच बांधा था, ये मेरी रक्षा करेगा, तेरा भाई अवश्य विजय होकर लौटेगा। तुमने इसे तो समझा लिया, लेकिन तुम ज्योति को कैसे समझाओगे? माँ समझाना तो होगा, मेरा वहां जाना जरूरी है, आप मेरी बात को समझिए। मेरे कपड़े तुम्हें किसने बता दिया? हद हो गई, अभी सुबह ही तो आपने बताया था कि आज हमें आगरा वाले मौसी ने बुलाया है, क्योंकि मैं शादी में नहीं आ पाएगी। बस वही पूछ रही थी मैं तो। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? अरे वो बात ही कुछ ऐसी है, आतंकी हमला हुआ है और माँ मुझे भेजने को राजी नहीं है, अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। मुझे तुम पर गर्व है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला है, जो जीवन की हर लड़ाई में मेरे साथ खड़ा हुआ है। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे अपने सीने से तू लगा लेना है भारत की, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, तरसता छोड़ आया हूँ। युद्ध का अंत हुआ, किंतु इसके लिए भारतीय सेना को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, मेजर साहब इस युद्ध में शहीद हुए। जब तुम शहीद हुए होंगे, तुम्हारी माँ कैसे सोई होगी? एक बात तो तय है, तुम्हें लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए।